नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महाकाल भक्त रविन मानकर और आज आप लोगों को बताने वाला हूं भाइयों कि भगवान परशुराम और हनुमान जी के बीच जो युद्ध आज सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है, ये युद्ध काल्पनिक था। जो भी सच्चा परशुराम जी का भक्त है और हनुमान जी का भक्त है वो सबसे पहले जान लेगी परशुराम जी कौन थे और हनुमान जी कौन थे। आज अपने ही आराध्य देवी देवताओं का हम किस तरह से उपहास उड़ा रहे हैं। कुछ स्वार्थी और अभिमानी और अहंकारी लोग चंद पैसे कमाने के लिए हमारे धर्म के साथ, हमारे शास्त्रों के साथ, हमारे धार्मिक कहानियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं ताकि इस कहानियों को रोचक बनाया जा सके, जिससे कि वीडियो अधिक से अधिक लाइक शेयर और इनकी रोजी रोटी चल सके। क्या रोजी रोटी चलाने के लिए हमें भगवान परशुराम और हनुमान जी में किसी एक भगवान को नीचा दिखाना आवश्यक है? और पहली बात ये बता देना चाहूँगी कि भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान के छठवें अवतार थे और भगवान विष्णु जी का इतना सम्मान करते हैं, कहते हैं ना भगवान हनुमान जी उनका अवतार ही राम जी की सेवा और भक्ति करने के लिए हुआ था और भगवान शिव के ही वो अंश थे हनुमान जी। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा भाइयों कि भगवान परशुराम जी ने भोलेनाथ जी से ही धनुर्विद्या का अध्ययन सीखा हुआ था और परम शिष्य थे भगवान श्राम जी और हनुमान जी के बीच ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं। ये सब काल्पनिक है। काल्पनिक भी क्या थी, जिस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था तो इनके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कई ऐसी कहानियाँ था जिसमें हेरफेर किया गया। आज के समय में आपको कोई अच्छी रामायण नहीं मिलेगी, कोई अच्छा ग्रंथ नहीं मिलेगा जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, और शुद्ध जहाँ है वहाँ लोगों ने पढ़े नहीं हैं। आज गीता प्रेस गोरखपुर वाले के भी कई ऐसे ग्रंथ हैं, वहाँ से भी कई ऐसे पुस्तकें निकल गई हैं जिसमें भी बहुत सारी मिलावट हो चुकी है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी किसी भी कहानी पर आप विश्वास न करें।